बीजेपी ने 24 अगस्त को होने वाले राज्यसभा के उपचुनाव में जयप्रकाश निषाद को अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने जयप्रकाश निषाद को राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाकर पिछड़ों पर बड़ा दांव लगाया है। समाजवादी पार्टी के नेता बेनी प्रसाद वर्मा के निधन के बाद यूपी में राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है, जिसके लिए बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किया है। जयप्रकाश निषाद गोरखपुर क्षेत्र से बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर 2012 में चौरी चौरा सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे। बीएसपी छोड़ने के बाद समाजवादी पार्टी में भी रहे। जयप्रकाश निषाद फरवरी 2018 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। उनके साथ लोकदल के गोरख सिंह सहित कई नेताओं कैंपियरगंज के पीपीगंज में आयोजित बूथ समिति कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी की सदस्य ली थी। निषाद पर दांव खेलकर बीजेपी ने पिछड़ों की राजनीति में बढ़त लेने का प्रयास किया है। अनुसूचित जाति में आने वाले निषाद समुदाय की प्रदेश में कुल आबादी 14% है। गोरखपुर लोकसभा सीट और आसपास की विधानसभा सीटों पर यह समुदाय हमेशा से जीत हार तय करने में अहम भूमिका निभाता रहा है। जयप्रकाश निषाद को प्रत्याशी बनाए जाने का फैसला बिहार में होने वाले चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। गोरखपुर में निषाद वोटरों की संख्या को देखते हुए राजनीतिक जानकार जयप्रकाश निषाद के राज्यसभा सांसद बनने पर बीजेपी को इसका फायदा मिलने की बात कह रहे हैं। पॉलिटिकल डेस्क, प्राइम टीवी। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान।